सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएला नर्स। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक सीए इंटर के, फाउंडेशन के, फाइनल के स्टूडेंट है, एक ओवरऑल एक सीए के स्टूडेंट है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लास्ट की 7 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो, लास्ट टाइम तक हमारी हैबिट्स होती है कि हमारा पूरा कोर्स नहीं हो पाता है। यही मान के मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ कि आप भले एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपके एक से दो सब्जेक्ट या तो लीस्ट प्रिपेयर्ड है या फिर बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है। तो उस सिचुएशन में देखो, आपके पास बचे हैं लास्ट के 7 दिन, तो इसके हिसाब से जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, FR है, अकाउंट्स है, तो इसके लिए मैं आपके 3 डेज जो है वो स्टार्टिंग के निकाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पेपर है एटलीस्ट उसको हम थोड़े ज़्यादा दिन दे सकते हैं, वो हमारे हाथ में, तो उस वो जो है वो सब्जेक्ट हमारा एग्रीगेट लाने में मदद करेगा। तो उसके लिए अगर हम 3 डेज निकाल दें तो इन हैंड अब हमारे पास बचेंगे ओनली 4 डेज। तो 4 डेज में मैं ये मानते हुए चल रही हूँ कि आपके जो हैं दो सब्जेक्ट एटलीस्ट प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इस जो टाइम है आप सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो 3 डेज आपने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उन दो सब्जेक्ट्स को आपको ये दो दो दिन देते हुए चलना है, और आपको समझना है कि 3rd डे, लाइक 2 दिन हमने दे दिया और 3rd डे हमारी जो है वो एग्ज़ाम है, उस लेवल से हमको उसको पढ़ना है। तो आपको एग्ज़ाम टाइम पर वो दो सब्जेक्ट इतने आसानी से हो जाएंगे आपके। तो लीस्ट प्रिपेयर्ड अधिकतर सब्जेक्ट्स हमारे टैक्स वगैरह या EIS SM हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स ही बचते हैं। तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो अकाउंट्स आपका 3 दिन में हो जाएगा, और दो सब्जेक्ट आपने और निकाल लिए, मतलब आपका एक सब्जेक्ट जो है वो ही ऐसा रहेगा जो आप थोड़ा, मतलब वो भी अच्छा खासा ही प्रिपेयर्ड हो गया, ये मानते हुए चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि उन दो सब्जेक्ट्स को आपको पूरे पूरे दिन देने हैं, और आपको वो चैप्टर्स ढूंढने जो आपने कर लिए हैं, वो चैप्टर्स प्लीज़ अब मत उठाना जो कि आप ऑलरेडी छोड़ चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि आप नहीं करोगे, तो वो मत करो, कोई बात नहीं। हमें इन दिनों में सिर्फ रिवीजन का टाइम निकालना है, और प्लीज़ आप कोशिश करना कि कोई MTP RTP वगैरह आप नहीं करो। इसके लिए खैर मैं सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उसका, पर अब हमें इन 2 दिन में आखिर करना क्या है। ऑफकोर्स जो भी आपने चैप्टर्स करे हैं उसकी ICI मॉड्यूल आपने करी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं करिए तो अब उन 2 दिन के टाइम में प्लीज एक बार ICI मॉड्यूल उठाओ और उसके सारे क्वेश्चंस करो। हो सकता है जो क्वेश्चंस अब आप करो वो एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल फिगर्स के साथ डिक्टो सेम आ जाए पेपर में, और ऐसे क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है आप खुद ही सोच सकते हो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप की ओर बात करते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि आप क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट टिप हम बात करते हैं कि इस टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपने अपने घंटे जो है चैप्टर्स के हिसाब से बांट लिए हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ो लोग के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हैबिट है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा इतना एंड टाइम पर, और आपके दिमाग में जब आप जो चीज़ करोगे ना उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में आगे आगे की चीज़ें चलने लग जाएगी कि यार आप वो करना है। तो हमें सिर्फ डेली टारगेट्स बनाने, मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, वापस बता रही हूँ कि डेली टारगेट्स पे अपना बिलीफ रखो, डेली का बताओ कि ये चैप्टर्स करने हैं, और उसको आवर्स में डिवाइड करो अपने हिसाब से, जो हो जितनी देर उसमें लग रही है आराम से, पर अच्छे से करना है हमें। हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, तो अगर आप 2-3 घंटे किसी चैप्टर को देते हो और वो नहीं हो पाया उसमें, तो टेंशन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, और आपको डीमोटिवेटेड फील होता है जो कि हमें नहीं करना है इस टाइम पर फील। और अगर आपके अलोकेटेड टाइम से जल्दी हो रहा है चैप्टर, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और आप जो टाइम बचा हुआ है वो वेस्ट कर दोगे, तो दोनों ही सिचुएशंस ख़राब है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सिर्फ इतना डिसाइड करो कि आज के दिन में ये चैप्टर्स करना है, नेक्स्ट डे का प्लान भी मत बनाओ। तो जो 2 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करने वाले हो वो सिर्फ सोच के रखो कि ये मैं करूँगा इन 4 दिन में, पर उसकी प्लानिंग आपको पूरे दिन की नहीं करनी है, सिर्फ आज के दिन की जो प्लानिंग है वो आप सुबह सुबह कर लो, और नेक्स्ट डेज की प्लानिंग नेक्स्ट डे पर करो, ठीक है। उसके बाद आती है बात 3rd टिप की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी रिवीजन नहीं करे हैं तो प्लीज़ यार एक बार मतलब सब्जेक्ट उठाओ, और जितने भी दिन अब बाकी हो उस हिसाब से, जैसे 2 सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो और एक एग्ज़ाम के टाइम पर हमने जो 3 दिन दिए हैं उसमें अकाउंट्स और FR हो जाएगा आपका, तो आप कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट आपने एक भी बार रिवाइज नहीं करे हैं वो सब्जेक्ट्स लो और एटलीस्ट एक टाइम रिवाइज करो, तो रिविजन से आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक अलग लेवल की आपकी अचीवमेंट हो जाएगी, ठीक है।
एक टाइम रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा हम ऑफकोर्स इस टाइम पे अब कर भी नहीं सकते। अब बात आती है कि हमने कुछ भी रिवाइज नहीं करा है, तो इस टाइम पे सब कुछ तो रिवाइज नहीं हो सकता, तो बिना रिवीजन के क्या एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है वो रिवाइज करे थे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आई हैव नॉट रिवाइज। कितनी बड़ी चांस ली थी मैंने, एंड आई हैव क्लियर्ड माई बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, और विद 3 सब्जेक्ट्स एग्जाम्पशन। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर नहीं हुआ रिवाइज, कोशिश करो रिविजन की, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो लोड मत लो, फिर भी एग्जाम्स क्लियर हो सकती है। सब कुछ जो खेल है वो यहाँ पर पॉजिटिविटी का आता है। थर्ड चीज़, प्लीज़ डोंट हैव रिग्रेट्स। आधे बच्चे जो है इस टाइम पर रिग्रेट करेंगे, यार वो सब्जेक्ट नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, अभी जो आप कर रहे हो ना उस पर आपका ध्यान कम होगा और इस पर ज़्यादा होगा कि यार वो बाकी, अभी तो ये करना है इसका, वो बाकी है। प्लीज़ यार जो कर रहे हो ना अभी वो अच्छे से कर लो, फिर जब जो बाकी है वो करो तब वो अच्छे से कर लेना। अभी सोचो क्या मतलब, ठीक है। आधे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी ये होती थी। उसके बाद फिर मैंने डेली टारगेट्स वाला सिस्टम शुरू करा और माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करी कि मैं जो सब्जेक्ट लेके बैठती थी उसमें मेरा मन ही नहीं लगता था और ये सोचती रहती थी कि यार वो बाकी, अभी सब कुछ बाकी, मेरा क्या होगा, पूरा टाइम टेंशन चलती रहती थी और रिग्रेट्स कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा वो भी नहीं हो पाया, काश मैंने पूरा कोर्स कर लिया होता एक बार, यार अब क्या होगा, अब हो सकता है क्या? तो प्रेजेंट में रहना शुरू करो, सबसे सुखी बन जाओगे। हमारा जो टारगेट है इस टाइम पर वो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। रैंक वैंक तो ठीक है, अब कोई हमारा सपना था पहले, अगर था तो अब तो कोई सपना नहीं है, हमें तो अब बस एक ही सपना है कि क्लियर हो जाए एग्ज़ाम कैसे भी करके। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लिव इन प्रेजेंट, जो है बस वो ही अच्छे से कर लो। लास्ट टिप बता रही हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, कोई बच्चा ऐसा होगा मेरे जैसा जिसने सिर्फ ICI मॉड्यूल ही करी होगी। तो मैंने जब ICI मॉड्यूल करी थी ना, मुझे डीमोटिवेट करने वाले इतने लोग आ गए थे कि तूने MTP नहीं करी, तूने RTP नहीं करी, तूने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं करे, तूने ICI मॉड्यूल के अलावा और कुछ नहीं करा, यहाँ तक कि तूने जो ICI मॉड्यूल करी है उसमें भी तूने पूरा कोर्स नहीं करा, तो तेरा पास होना तो इम्पॉसिबल है। मैंने बोला अब तो मैं करके दिखाऊंगी। जो जो लोग बोल रहे हैं ना उनको मेरे को साबित करना है कि क्यों नहीं हो सकता ICI मॉड्यूल से। आज मैं आपको ICI मॉड्यूल की एक ऐसी बात बताऊंगी, या फिर एक काम करते हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ICI मॉड्यूल क्यों करना बेस्ट रहता है और क्यों करनी ही चाहिए, इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, वो प्लीज़ आप रेफ़र करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि अगर आपने सिर्फ ICI मॉड्यूल करी उसके अलावा आपने कुछ भी छुआ तक नहीं है, देखा तक नहीं है, तो क्या पास हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो, मैं हुई तो आप भी हो सकते हो। पर मेरा बस यही कहना है कि आपने जो भी कराओ ना उस पर खुद पर विश्वास रखो। आपको लगता रहेगा कि यार आपने अच्छे से नहीं करा है, पर हमने अच्छे से ही करा होता है, वो बस मन का डर होता है ना, वो हमें फोर्स करता है सोचने पर कि हमने अच्छे से नहीं करा, पर हमने सब कुछ अच्छे से करा है। खुद पर विश्वास रखना शुरू करो और आपने जो भी करा है ना वो बेस्ट है। और जितना भी करा है ठीक है, एग्ज़ाम देने तो हम जाएंगे और हम क्लियर भी हो जाएंगे। पॉजिटिव माइंड जो है वो आपका जो गेम है वो पूरा चेंज कर देगा। प्लीज़ पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर और जितना भी करा है बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, सब कुछ जो है वो आपके लिए पॉसिबल है करना, आप बिल्कुल कर सकते हो। जहाँ से जितना करा है सब कुछ बेस्ट है। ICI मॉड्यूल लाकर आप पास ही नहीं हो पा सकते हो, आप एग्जामिशन भी ला सकते हो अच्छे से कर लिए ICI मॉड्यूल तो। और मैंने खुद कॉस्ट में और जितने भी सब्जेक्ट में मेरे एग्जामिशन आए, मेरी रिजल्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है CA इंटर की फाउंडेशन की, तो आप देख सकते हो। और ICI मॉड्यूल मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ी थी, इंटर में भी पढ़ी थी, और फाउंडेशन में भी मेरे अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे यहाँ तक कि, और इंटर में भी मैंने दोनों ग्रुप्स क्लियर करे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ICI मॉड्यूल पढ़कर हम पास ही नहीं हो सकते, एग्जामिशन भी ला सकते हैं। तो इतना मेरा कहना काफ़ी होगा आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी वीडियोस जो है वो और आती रहेगी। कुछ डाउट होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।